दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही पौष्टिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें पालक, बेथुआ, सोया चंक्स और बहुत सारी न्यूट्रिटिव आइटम्स हैं। तो सबसे पहले आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए 1/2 किलो पालक और 250 ग्राम बेथुआ। दोनों को अच्छे से मैंने काट लिया है और इस तरीके से धोने के बाद इसको उबालने के लिए रखा है, जिसमें आपको 1 चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा जितना पानी मैंने डाला इतना पानी मिला लेना है और 2 सीटी लगने तक इसे आपको पका लेना है। नेक्स्ट मसाले में आपको चाहिए 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा लहसुन देखिए और थोड़ा अदरक। और नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स है 1 कप सोया चंक्स, 1 बॉल मूंगफली, कच्ची मूंगफली और 1 बॉल हरे मटर, कच्चे हरे मटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है 1 कटोरा जो मूंगफली है उसको भून लेते हैं। सबसे पहले आपको मूंगफली को भून लेना है, जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसके बाद उसको दरदरा आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बर्तन में पानी लेना है 1 ग्लास जितना, और उस पानी में आप लोगों को मिलाने हैं सोया चंक्स और सोया चंक्स को उबाल लेना है, अर्थात अच्छे से पानी में उबलने देना है। तो पानी मेरा उबल चुका है यहाँ पर और ये जो 1 कटोरा सोया चंक्स है इसे गरम गरम पानी मैंने डाल दिया। बस इसे गरम पानी में डाल देना है, आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और थोड़ी देर तक ढककर ऐसे ही रख देना है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद देखेंगे कि सोया चंक्स अच्छे से भीग चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने पालक और बेथुआ उबाला था वो इस तरीके से उबल गया है 2 सीटी लगाने पर। और अभी इसको अच्छे से, इसका पेस्ट अच्छे से बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से। तो इस तरीके से 5 मिनट तक आप ब्लेंड करेंगे तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा इसका फाइन लिक्विड बन जाएगा। सोया चंक्स भी देखिए अच्छे से उबल गए हैं, जिसे मैंने निकाल दिया है और एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है उसको निचोड़ लिया है, रख लिया है। अब मैं जो भुनी मूंगफली थी उसको भी दरदरा पीस रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका पाउडर बनाना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा, दरदरा आपको पीस लेना है। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं। लोहे की कढ़ाई मैंने ली है, लोहे की कढ़ाई में आपको पहले भी बहुत बार ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि काफ़ी पौष्टिक रहती है इसमें खाना बनाना, हरी सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा। तो 2 चम्मच मैंने तेल लिया और सबसे पहले जो है ये जो सोया चंक्स थे, जो उबाले हुए सोया चंक्स है जिसका पानी एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है और सेव करके रख दिया, उसे आपको फ्राई कर लेना है। यस दोस्तों, 2 चम्मच तेल में आपको इसके अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, 5 मिनट तक आप ऐसे ऐसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में तो ये ब्राउन हो जाएंगे। अब हम तड़का लगाते हैं। वापस से मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें तेल ले लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो आपको 1 चम्मच राई, ज़ीरा और हींग मिला लेना है। और उसके बाद जो मैंने प्याज लिए थे 2 प्याज, उसे मैंने इस तरीके से काट लिया है और सबसे पहले आपको प्याज को मिलाना है और प्याज को भुनना है जब तक वो रेडिश हो जाए। प्याज भी भुन चुके हैं। अब जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च थी उसका पेस्ट मैंने यहाँ पर जो बनाया है उस पेस्ट को मैं मिला रही हूँ। इस पेस्ट को भी हमें अच्छे से पका लेना है ताकि खुशबू आने लगे, उतनी देर तक पकाना है। तो ये पेस्ट भी जो अच्छे से पक गया है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो मटर लिए गए 1 कटोरी मटर उसको आपको पका लेना है अच्छे से, वो थोड़े से पक जाएँ उतनी देर तक आपको इसमें पका लेना है। ये मटर पक चुके हैं और अब जो 2 टमाटर मैंने लिए थे उसको कद्दूकस कर लिया अच्छे से, तो उन 2 टमाटर को, कद्दूकस टमाटर को भी मैंने इसके साथ मिला लिया है। थोड़ी देर तक आपको इसे पकाना है मीडियम फ्लेम में। और अब आपको डालने हैं इसमें मसाले। तो सबसे पहले देखिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, क्योंकि सब्ज़ी में भी पहले से नमक पड़ा है इसलिए 1 चम्मच सेंधा नमक मैंने आपको मिला लिया है। और सेंधा नमक डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पकाइए ताकि ये अच्छे से जो है तेल छोड़ दे और ग्रेवी बहुत फाइन ग्रेवी बन जाए। तो इस तरीके से थोड़ी देर तक इसको पका लेना है। ये पक रहा है और उसके साथ मैंने यहाँ मिला दिया है प्यूरी जो कोई बनाई थी मैंने पालक और बेथुए की, सारे मसाले के साथ पालक और बेथुए की प्यूरी को भी बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब ऊपर से मसाले डालने, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी, 1 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें मिला लिया है और 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला जो होता है वो मैंने इसमें मिला लिया है, और 1/2 चम्मच जितनी लाल मिर्च मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अच्छा सा स्पाइसी स्वाद देने के लिए, क्योंकि 2 हरी मिर्च पहले से ही मिलाई हुई है।
सभी मसालों को इस पेस्ट के साथ अच्छे से मैंने मिला लिया है। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ पर वो आपको थोड़ा मिला लेना है, क्योंकि पालक और बेथुआ की प्यूरी इसमें पड़ी हुई थी और इसके साथ साथ जो सोया चंक्स थे उसका जो एक्स्ट्रा लिक्विड था वो भी था, तो मैंने उसी को मिलाकर इसमें डाल लिया है। फाइनली ऐड कर दिए फ्राई किए हुए सोया चंक्स। अब है फाइनल बारी लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि भुनी हुई मूँगफली थी उसको मिलाने की, तो भुनी हुई मूँगफली का जो पाउडर है वो भी मैंने इसमें मिला लिया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपको मिला लेना है और कुछ देर 1 से 2 मिनट तक वापस पकाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो आप सर्दियों में बना सकते हैं रेडी है। नई टेक्निक, नई इनोवेटिव रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक है, खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद देती है। बनाने के बाद अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।